वंदे मातरम मित्रों, शुक्र खाना नंबर 12 में बैठा हो, लाल किताब क्या कहती है बात आज इस विषय पर। मित्रों, जिन मेरे मित्रों का शुक्र खाना नंबर 12 में बैठा हो, निश्चित ही ऐसे मेरे मित्रों को समस्त संसारिक सुख उपलब्ध होते हैं। ऐसे मेरे मित्रों को सरकार, कोर्ट कचहरी और सरकारी मामलों में यश मान मिलता है। शुक्र खाना नंबर 12 में बैठा हो, ऐसे मित्रों को स्त्रियों की सहायता से तरक्की प्राप्त होती है, परंतु स्त्रियों को पति का सुख कम, किंतु ऐसे मित्रों को स्त्री का सुख बहुत उत्तम मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में पत्नी की सहायता से ऐसे व्यक्ति का भाग्य चमकता है और व्यक्ति को लाभ होता है, जिन मेरे मित्रों का शुक्र खाना नंबर 12 में बैठा हो। जिन मेरे मित्रों का शुक्र खाना नंबर 12 में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति हर संभव यथासंभव दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहता है, जिस कारण उसे समाज में मान और प्रतिष्ठा मिलती है। जिन मेरे मित्रों का शुक्र खाना नंबर 12 में बैठा हो, ऐसे मेरे मित्र 60 वर्ष की आयु के समीप इनका रुझान आध्यात्म की ओर हो जाता है। जिन मेरे मित्रों का शुक्र खाना नंबर 12 में बैठा हो, उन्हें लाल या काले रंग की गायें की सेवा करनी चाहिए। जिन मेरे मित्रों का शुक्र खाना नंबर 12 में बैठा हो, उन्हें काली या लाल गाय को पालना भी बहुत शुभ होता है, और काली या लाल रंग की गाय का दान करना भी इनके लिए बहुत उत्तम फल को देने वाला होता है। जिन मेरे मित्रों का शुक्र खाना नंबर 12 में बैठा हो, उन्हें अपनी स्त्री के हाथों से गुड़, चावल या जौ का दान करवाते रहना चाहिए। इससे शुक्र खाना नंबर 12 के शुभ प्रभावों में बहुत सुंदर वृद्धि हो जाती है। अच्छा मित्रों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।